सब्सक्राइब कीजिए आल टिप्स वीडियो यूट्यूब चैनल को और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए, और यहां से दबाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब अहमद और आप देख रहे हैं आल टिप्स वीडियो यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक बार फिर अपने इस यूट्यूब चैनल में एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बहुत ही कमाल की और बहुत ही अमेजिंग सी एप्लीकेशन लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन को आप अगर अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद ये एक समझ लें कि एक लॉक की एप्लीकेशन है, तो आप इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद यहाँ इसके अंदर अपना कोई भी पर्सनल लॉक या कोई भी पैथन लॉक आप इसमें सेलेक्ट करते हैं, तो फ्रेंड्स अगर आप अपना मोबाइल कहीं पर भी रख देते हैं, अपने रूम में या अपने घर में कहीं भी चार्जिंग लगा कर रख देते हैं, तो फ्रेंड्स जब आप कहीं पर चले जाते हैं तो अगर आपके मोबाइल को कोई भी आदमी छेड़ने की कोशिश करता है, आपका मोबाइल कोई लॉक ओपन करने की कोशिश करता है, तो फ्रेंड्स ये एप्लीकेशन के अंदर एक ऐसा सिस्टम है कि आपके जो भी आपके मोबाइल को हाथ लगाएगा, आपके जो लॉक होगा पैथन लॉक को खोलने की कोशिश करेगा, और उसको अगर आपके पैथन लॉक का पता नहीं है तो फ्रेंड्स ये एप्लीकेशन उसकी पिक्चर बना लेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, उसकी पिक्चर बनाकर आपके मोबाइल के अंदर सेव गैलरी में भी सेव हो जाएगी, और उसके साथ साथ आपका जो जी मेल अकाउंट होगा जो कि आपके मोबाइल के अंदर लगा हुआ होगा प्ले स्टोर की ID पर, तो फ्रेंड्स उस जी मेल अकाउंट पर भी ये अपनी जो आपकी पिक्चर होगी, जो भी आपके मोबाइल को छेड़ने वाला आदमी होगा उसकी पिक्चर आपके जीमेल के अकाउंट पे भी ये सेंड कर देगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके मोबाइल को किस किसने छेड़ा है। तो और अगर आपका मोबाइल कहीं चोरी भी हो जाता है तो फ्रेंड्स तब भी ये आपके लिए बहुत सारी हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि आपके जीमेल के अकाउंट के ऊपर उस आदमी की पिक्चर जो है वो सेंड हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपके मोबाइल को किसने छेड़ा और किसके पास है आपका मोबाइल। तो इसलिए फ्रेंड्स ये बहुत ही प्यारी एप्लीकेशन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली न्यू वीडियो अपलोड करता रहता हूँ जो कि एंड्रॉयड मोबाइल की इन्फॉर्मेशन की वीडियो होती हैं, और यकीनन आप जानते ही हैं कि आपको बहुत सारा उनसे फ़ायदा भी होगा और बहुत सारा आप उनसे सीखते भी होंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली ऐसी ऐसी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ जिनसे आपको बहुत सारा फ़ायदा भी होगा। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में कि कैसे आप यूज़ कर सकते हैं इसको। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ कि इस एप्लीकेशन का नाम क्या और कैसे हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अपने गूगल प्ले स्टोर में आप टाइप कीजिए क्रॉक कैचर, CROCK क्रॉक आगे CATCHER। फ्रेंड्स इतना आप टाइप कीजिए और उसके बाद आप सर्च कर लीजिए, तो आपके सामने ये पहले वाली एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इसके बहुत अच्छी आप इसको देख सकते हैं 4.5 इसकी रेटिंग है और 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है, तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। छोटी सी एप्लीकेशन है, 2 MB की एप्लीकेशन तकरीबन, तो इसको हम डाउनलोड कर 3 MB की बन जाती है, 3 MB से भी कम एप्लीकेशन है, तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई है, हम इसको ओपन करते हैं। फ्रेंड्स जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपसे थोड़ी सी परमिशन मांगे कि जो भी आप इसकी परमिशन है मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या परमिशन है, तो आप इसको उसी तरह से वो परमिशन इसकी कीजिए, अलाउ कीजिए, तो इसके बाद इसकी सेटिंग हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो का निशान है, आप इसको क्लिक कीजिए। तो फ्रेंड्स इसके बाद ये आपसे कुछ परमिशन मांग रही है, तो यहाँ पर एक्टिवेट नाउ पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपसे ये फिर यहाँ पे आपको नीचे ये एक्टिवेट का ऑप्शन शो हो रहा होगा, आप इसको क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स इसके बाद फिर आपसे ये एक एक्टिवेट का ये ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पे आप इसको नेक्स्ट कीजिए, यहाँ पे टिक मार्क करके, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टिक मार्क हुई है, तो हम इसको यहाँ से फिर नेक्स्ट करते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स इसके बाद आपके सामने ये अटैम्प्ट लिमिट्स आपसे पूछ रहा है कि आपका जो पैथन लॉक है वो कितने टाइम के बाद जो है आपके वो पिक्चर बनाए, जिसने भी आपका मोबाइल जो भी आपको छेड़ेगा उसके मोबाइल की वो पिक्चर कितनी बार वो पैथन लॉक ट्राई करे और उसके बाद वो मोबाइल उसकी पिक्चर बनाए, तो हम इसकी लिमिट जो है वो
आपको यहाँ पे अगर वो 5 बार कोड लगाता है तो 5 के बाद अगर वो 6ठी बार गलत कोड लगाता है तो उसके बाद ये एप्लीकेशन उसकी पिक्चर बना लेगी। तो हम फिल वक्त इसको ट्राई करने के लिए ये दूसरे पे करते हैं, 2 बार बाद 2 नंबर पे सिलेक्ट कर लेते हैं कि जैसे ही 2 नंबर के बाद अगर तीसरी बार उसने गलत कोड लगाया तो उसकी पिक्चर बन जाए। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है पैथन लॉक तो आपको ही पता है, तो आप पहली बार इसमें इसका लॉक खोल सकते हैं, कोई दूसरा होगा पहली बार उससे अगर लॉक नहीं खुलेगा तो दूसरे बार जो भी होगा उसकी ये एप्लीकेशन जो है वो पिक्चर बना लेगी, तो उसके साथ ही आपके जीमेल के अकाउंट पे वो पिक्चर सेंड कर देगी। तो चलिए हम फिर इसको नेक्स्ट करते हैं और इसके बाद आखिरी है ये एक्टिवेट नाउ, आपका जो भी ईमेल अकाउंट होगा उसको अलाउ कर दीजिए, जैसा कि मैं अपने ईमेल अकाउंट पे इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। और ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सक्सेसफुल ही हो गया। अभी हम फिर इसको नेक्स्ट कर देते हैं और ये आखिर में कुछ परमिशन सी हैं, इनको भी कैमरे का भी ऑप्शन है वो भी क्लिक कर देते हैं, क्योंकि आप इसको अलाउ ओपन करेंगे तभी आप जो कैमरा उसकी पिक्चर बनाएगा। इसके बाद लोकेशन को भी अलाउ कर देते हैं क्योंकि वो बता देगा कि आपके मोबाइल कहाँ पर है। तो स्टोरेज में आपकी जो पिक्चर जो भी ये बनाएगा तो आपके स्टोरेज में जो है वो सेव कर देगी। तो चलें हम इसको अभी ट्राई करते हैं, आप भी ट्राई कर सकते हैं। ये सेटिंग आपने लाजमी करनी है, जो भी सेटिंग जैसे जैसे मैंने की है तो ऐसे ही आपने सेटिंग करनी है। और उसके बाद आप ट्राई इट नाउ पे क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारा मोबाइल लॉक है इस वक्त। तो हम जो कोड हमने लगाया हुआ है वो हमें तो पता है, लेकिन हम वैसे इस पर ऊपर गलत कोड लगाने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जैसे ही हमने गलत कोड लगाया तो ये पिक्चर इसने बनाकर जो है वो ऐसे पिक्चर बना ली हैं, आपको शो हो रहा होगा ये ऊपर इसने 2 पिक्चर बना ली हैं। और ये जीमेल जो इसका लोकेशन है वो लोकेशन भी इसने सेंड कर दी है कि ये मोबाइल इस जगह पे है, लोकेशन भी इसने सेंड कर दिया और साथ इसने पिक्चर भी बना ली है। क्योंकि मैंने 2 मरतबा गलत कोड लगाया था तो उसके बाद इसने ये पिक्चर बनाकर, और आप देख सकते हैं ये पिक्चर इसने मेरे इस जीमेल अकाउंट पे भी सेंड कर दी हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं जीमेल अकाउंट पे भी इसने वो सारी लोकेशन जो है लोकेशन भी सेंड कर दी है और साथ में पिक्चर भी सेंड कर दी है। तो फ्रेंड्स इस तरह आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि आपके मोबाइल की बहुत सारी इससे बहुत सारा ऐसा सेफ हो जाएगा मोबाइल इस एप्लीकेशन से। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, जिसने भी आपके मोबाइल को हाथ लगाया होगा आपके मोबाइल को यूज़ करने की कोशिश कर रहा होगा तो ये उसकी पिक्चर बनाकर आपको सेंड कर देगा आपके जीमेल के अकाउंट के ऊपर। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलें फ्रेंड्स मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। We'll be right back.